हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर, सीओ डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर. वेलकम्स यू बैक अगेन टू द ऑनलाइन प्रैक्टिकल सीरीज ऑफ सब्जेक्ट ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET. टुडे वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट प्रैक्टिकल नंबर 22 एंड द एम ऑफ प्रैक्टिकल इज इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू डेमॉन्स्ट्रेट शैडोइंग इन इनहेरिटेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज में हमने ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देखा है. व्हाट इज मीन बाय ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग मीन्स एक ही प्रोग्राम में अगर हमको दो सेम नाम के फंक्शंस या मेथड्स दिखते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग. एंड मेथड या फंक्शन ओवरराइडिंग मीन्स व्हाट? उनका दोनों मेथड्स है तो दोनों मेथड्स या फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर सेम है, बट डिराइव्ड क्लास में हम उसका डेफिनेशन चेंज करते हैं. उस मेथड का और फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन और मेथड ओवरराइडिंग. टुडे वी विल शो और टुडे वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ शैडोइंग. सो शैडोइंग मीन्स व्हाट? इट स्पेसिफाइज दैट अ प्रॉपर्टी और प्रोसीजर overrides an identically named property or procedure inherited from a base class. इसका मतलब अगर एक ही प्रोग्राम में सपोज हम एक बेस क्लास लेते हैं और एक दूसरा डिराइव्ड क्लास लेते हैं और दोनों क्लासेस में हम सेम नाम की मेथड या सेम नाम का वेरिएबल और सेम नाम का अगर फंक्शन यूज करते हैं तो कौन सा फंक्शन, अगर मैं उस फंक्शन को या वेरिएबल को कॉल करती हूँ तो कौन सा फंक्शन पहले एक्सेस होगा? ओके, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं शैडोइंग. ओके, मींस इसका मतलब है एक वेरिएबल है वो दूसरे सेम वेरिएबल को लेकिन दूसरे जगह पे शैडो कर रहा है, या फिर एक फंक्शन है सेम नाम से वही सेम फंक्शन को जो दूसरे प्लेस पे है उसको शैडो कर रहा है. मींस वो एक दूसरे को हाइड कर रहे हैं, शैडोज कर रहे हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शैडोइंग. So, relevant program outcomes, those are going to map are basic knowledge, discipline knowledge, experiments and practice, engineering tools, communication, and lifelong learning also. So, the course outcome that is going to map is apply object-oriented concepts in GUI application. So, now let us see what is the theoretical background for shadowing. So, shadowing is a feature used when two programming elements share the same name, one of them can hide or shadow the other one. Means, अगर हम same program में एक ही नाम से दो variables बनाते हैं या एक ही नाम से दो methods, sub procedures और functions बनाते हैं, then पहला वाला या दूसरा वाला जो उनमें से कोई भी एक है वो एक दूसरे को hide करते हैं या फिर shadow करते हैं. Okay. The main purpose is to protect the definition of class members. और इसका aim क्या है कि जो definition है particular member का या किसी function का उसको protect करना. Okay, so security or protection, this is the main purpose of shadowing. An element can shadow another element by two ways. अब हम shadowing जो है वो दो तरीके से implement कर सकते हैं. एक पहला through scope. तो स्कोप का यूज करके मीन्स वो लोकल स्कोप में है या ग्लोबल स्कोप में है, तो स्कोप यूज करके हम शैडो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट. एंड थ्रू इनहेरिटेंस, सो इनहेरिटेंस का यूज करके भी हम शैडो कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस सी द सिंटैक्स और एग्जांपल ऑफ इट. सिंटैक्स थ्रू स्कोप, अगर स्कोप का एग्जांपल देखना है तो सबसे पहले एक हम मॉड्यूल बनाएंगे. मॉड्यूल एम नाम से एक मॉड्यूल बनाया हमने, उसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है टेम्प नाम का और उसका हमने जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो लिखा है पब्लिक टेम्प एज इंटीजर, उसको 42 वैल्यू असाइन की. सेम मॉड्यूल में हमने एक प्रोसीजर भी लिया है पी नाम से और सेम नाम से डिम टेम्प इंटीजर हमने बनाया है और उसको वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 5. तो मॉड्यूल के अंदर जो टेम्प है उसकी वैल्यू है 42 और प्रोसीजर के अंदर जो टेम्प वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 5. अब अगर हम कॉल करते हैं सो डीम y एज इंटीजर इक्वल्स टू टेम्प, अगर मैं टेम्प को कॉल करती हूँ, इस वेरिएबल को कॉल करती हूँ, तो हमारे पास तो अभी दो टेम्प वेरिएबल्स है तो हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन से टेम्प की वैल्यू एक्सेस करनी है. ओके,
सो हमारा कंपाइलर सबसे पहले क्लोजेस्ट जो भी प्रोसीजर या क्लोजेस्ट जो भी उसका स्कोप दिखता है वो वैल्यू वो रिटर्न करेगा या फिर स्टोर करेगा और उस वैल्यू को वो रेफर करेगा. ओके सो अगर हम प्रोसीजर पी में जाते हैं और इस इंटीजर को कॉल करते हैं, टेम्प इंटीजर को कॉल करते हैं टेम्प वेरिएबल को, सो प्रोसीजर के अंदर ऑब्वियसली वो टेम्प को ही रेफर करेगा. लेकिन इस प्रोसीजर के बाहर निकलेंगे और हम टेम्प को कॉल करेंगे तो वो ऑब्वियसली किसको कॉल करेगा, मॉड्यूल के अंदर जो भी टेम्प वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 42 है उसको कॉल करेगा, क्योंकि जब वो प्रोसीजर के अंदर था तो उसका स्कोप कब था, प्रोसीजर तक ही था. ओके और जैसे ही हम प्रोसीजर के बाहर निकलते हैं तो उसका स्कोप जो है वो एंड हो जाता है. इसलिए जब भी हम प्रोसीजर के अंदर हैं तो वो लोकल टेम्प वेरिएबल को एक्सेस करेगा, एंड जब हम इस प्रोसीजर के बाहर निकलेंगे मीन्स हम मॉड्यूल के अंदर निकले, मॉड्यूल के अंदर से कॉल करेंगे, तब वो मॉड्यूल के अंदर जो है टेम्प जिसकी वैल्यू 42 है उसको कॉल करेगा. ओके तो इसके लिए माई क्लास डॉट टेम्प, तो माई क्लास इस वर्ड का कीवर्ड का यूज करना हमें जरूरी है, तब वो बेस क्लास या जो मॉड्यूल के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको कॉल करेगा. सो दिस इज अबाउट थ्रू स्कोप. नाउ थ्रू इनहेरिटेंस, तो इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हमने एक बेस क्लास लिया है जिसमें एक प्रोसीजर डिफाइन किया हमने प्रोक नाम की. ओके एंड इस बेस क्लास से हमने डिराइव क्लास डी एक क्लास डिराइव किया है. सो डिराइव क्लास डी इनहेरिट्स फ्रॉम बी, और उसी डिराइव क्लास में हमने सेम प्रोसीजर डिफाइन की है प्रोसीजर प्रोक. तो यहाँ पे देखिए दोनों प्रोसीजर का नेम सेम है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में दोनों वेरिएबल का नाम सेम था, अब यहाँ पे दोनों प्रोसीजर का नाम सेम है. अब जब भी हम कॉल करेंगे तो वो कौन सी प्रोसीजर को कॉल करेंगे. ओके तो जब भी हम कॉल करेंगे तो अगर हम डिराइव क्लास के अंदर हैं तो प्रोक नाम की प्रोसीजर कॉल होगी, लेकिन अगर हमको बेस क्लास की प्रोक प्रोसीजर कॉल करनी है तो हमें माई बेस डॉट प्रोक ये यूज करना जरूरी है. तो हम माई बेस डॉट प्रोक को यूज करेंगे, तब वो बेस क्लास की जो मेथड है प्रोसीजर है उसको कॉल मिलेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो इस तरह से डिराइव्ड क्लास के जो प्रोसीजर ने या फिर हम इसको एलिमेंट बोलेंगे, इसने शैडो किया है बेस क्लास के मेथड को या प्रोसीजर को. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शैडोइंग. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द एग्जीक्यूशन इन विजुअल स्टूडियो. सो मैंने यहाँ पे पहले ही प्रोग्राम राइट किया हुआ है, हमने एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें हमने पब्लिक लिया है क्लास फर्स्ट क्लास, उसमें एक हमने मेथड दी है या सब प्रोसीजर दिया है हमने, वो भी उसका एक्सेस स्पेसिफायर जो है पब्लिक है, डिस्प्ले नाम से हमने सब प्रोसीजर दिया है, और उसमें हमने एक मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज प्रिंट किया है दिस इज फर्स्ट क्लास, फिर इस क्लास को एंड किया है. देन ये जो फर्स्ट क्लास से हमने एक फिर से सेकेंड क्लास नाम का क्लास डिराइव किया है, सो पब्लिक क्लास सेकेंड क्लास इनहेरिट्स फर्स्ट क्लास. इसमें हमने प्राइवेट शैडोज सब डिस्प्ले, अब जिस भी मेथड को या जिस भी एलिमेंट या वेरिएबल को हम अगर डिराइव क्लास में या दूसरी जगह पे एक्सेस करते हैं तो वहां पे हमको शैडोज कीवर्ड लिखना जरूरी है. ओके सो डिस्प्ले यहाँ पे प्रोसीजर लिया है सेम नाम से, और हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज प्रिंट किया है दिस इज सेकेंड क्लास, ये क्लास हमने एंड कर दिया है. फिर से हमने क्लास लिया है थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास जो है वो सेकेंड क्लास से इनहेरिट हो रहा है, और यहाँ पे हमने जो सब प्रोसीजर है डिस्प्ले सेम यूज किया है लेकिन उसका एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक लिया है, और हमने मैसेज प्रिंट किया है दिस इज थर्ड क्लास. तो इस तरह से फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास के अंदर सेकेंड क्लास, और थर्ड क्लास के अंदर थर्ड क्लास, इस तरह से हमने मैसेजेस प्रिंट किए हैं थ्रू मैसेज बॉक्स. अब हम मॉड्यूल के अंदर गए, हमने फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट, सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सेकेंड, एंड थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया थर्ड. अब मेन प्रोग्राम में जब हम कॉल कर रहे हैं तो जब हम फर्स्ट डॉट डिस्प्ले ये कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट डॉट डिस्प्ले ये दिख रहा है, मीन्स हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, फर्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसका यूज किया है, तो ऑब्वियसली इसको कॉल मिलेगा और वो जाएगा फर्स्ट क्लास के पास जिसका भी ये ऑब्जेक्ट है, और दिस इज फर्स्ट क्लास से एग्जीक्यूट करेगा. ओके
ये जो पहला कॉल है फर्स्ट डॉट डिस्प्ले का, तो हमें यहाँ पे धिस इज फर्स्ट क्लास ये आउटपुट मिलेगा। देन जब भी हम सेकेंड डॉट डिस्प्ले ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट किसका है? सेकेंड क्लास का। तो अब हम सेकेंड क्लास के पास जाएंगे, सेकेंड क्लास के पास जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाते तो यहाँ पे दिखता है प्राइवेट, और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होने के कारण हम इसको, इसके अंदर जो भी इसकी मेथड की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आउट ऑफ द क्लास। ओके, तो हम कहाँ पे जाएंगे? ये अब जो है इसका बेस क्लास कौन सा है? इस सेकेंड क्लास का बेस क्लास कौन सा है? फर्स्ट क्लास। तो यहाँ से हमको एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ ऊपर वाले बेस क्लास में जाएंगे और फिर दिस इज फर्स्ट क्लास ये फिर से प्रिंट होगा सेकेंड कॉल के लिए भी। ओके, देन जब भी हम थर्ड डॉट डिस्प्ले करेंगे, सो थर्ड डॉट डिस्प्ले जब भी हम करेंगे तो थर्ड किसका ऑब्जेक्ट है? थर्ड क्लास का। तो हम थर्ड क्लास में जाएंगे और यहाँ पे मेथड जो है पब्लिक है, तो हम इस बॉडी के अंदर आएंगे मेथड के और दिस इज थर्ड क्लास से एग्जीक्यूट करेंगे और ये मैसेज जो है दिस इज थर्ड क्लास वो हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट डिस्प्ले को जब हम कॉल करेंगे तब हमको दिस इज फर्स्ट क्लास आउटपुट मिलेगा। सेकेंड डॉट डिस्प्ले जब हम कॉल करेंगे तो डिस्प्ले ये प्रोसीजर, सब प्रोसीजर प्राइवेट होने के कारण हमको बेस क्लास के मेथड को कॉल मिलेगा और दिस इज फर्स्ट क्लास हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे या डिस्प्ले हो जाएगा। देन थर्ड डिस्प्ले के टाइम पे हमको, हम थर्ड क्लास में जाएंगे और दिस इज थर्ड क्लास एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ वी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो अगर हम एग्जीक्यूट करते तो देखिए, सबसे पहला कॉल है फर्स्ट डॉट डिस्प्ले के लिए, तो दिस इज फर्स्ट क्लास ये एग्जीक्यूट हुआ है, ये आउटपुट मिला है हमको। देन फिर से हम सेकेंड डॉट डिस्प्ले एग्जीक्यूट करते हैं तो भी हमको दिस इज फर्स्ट क्लास ये आउटपुट मिला है, एंड थर्ड डॉट डिस्प्ले को जब हम कॉल कर रहे हैं सो दिस इज थर्ड क्लास ये हमको आउटपुट मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम शैडोइंग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट किया है? हमारे पास दो तरीके हैं शैडोइंग को यूज करने के, थ्रू स्कोप है फर्स्ट एंड सेकेंड वाला है थ्रू इनहेरिटेंस। तो हमने सेकेंड वाला थ्रू इनहेरिटेंस ये कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सो फिर से एक बार, वी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। फर्स्ट डॉट डिस्प्ले को जब हम कॉल करेंगे तो दिस इज फर्स्ट क्लास ये हमको मैसेज मिलेगा। सेकेंड डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे फिर भी हमको दिस इज फर्स्ट क्लास ये हमको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट मेथड होने के कारण हमको जो कॉल है वो बेस क्लास के ऊपर जाएगा और बेस क्लास की डिस्प्ले जो मेथड है वो कॉल होगी और दिस इज फर्स्ट क्लास हमको आउटपुट मिलेगा। देन थर्ड डॉट डिस्प्ले अगर हम करते हैं तो फिर से हम थर्ड क्लास में आएंगे और दिस इज थर्ड क्लास ये हमको आउटपुट मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। कीप लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।